हेलो दोस्तों, की हाल चाल। मैं तुहाडा दोस्त जशन आ चुका न्यू वीडियो दे नाल। अज दी वीडियो विच असी जावांगे निलास, जो कि है पटियाले तो 40 किलोमीटर दूर राजपुरे दे कोल पैंदा है। ते यह मंदिर 550 साल पुराना मंदिर है। ते यह मंदिर शिवजी जी दा मंदिर है। कल सवेरे मैं जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, ते मेरा पहला व्लॉग होने वाला है। ते कल सवेरे असी कंटिन्यू करांगे व्लॉग। इस वक्त बज रहे हैं रात दे 10। तब नाल मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा है बाइक ते, जो कि असी ड्यूअल राइडिंग करांगे। ते मिलते हैं तुहानू कल सवेरे। ते ये भी कहा जाता है कि नला या तो शिवजी जी मिलते हैं निलास या मिलते हैं कैलाश। तो कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। आ गया, साड़ी बाइक भी रेडी है। मेरे साथ है बुलेट ते कहेगी हॉर्नेट। हूँ कन्फ्यूजन यही है कि मेरा दोस्त कह रहा है बुलेट लेके चलते, मैं कहना कि फर्स्ट लोग है हॉर्नेट लेके चलते हैं। तो उसकी समस्या का भी अपने को हल है। तो अपने को है कॉइन, दस भाई हेड किवें करना है, हेड कि बुलेट ठीक है, तो टेल फिर तुम्हें पता ही है। हॉर्नेट लिए हो गया, आप करते हैं टॉस, फोकस पाओ भाई। देखो ये 1 रुपी कॉइन है, टेल एंड हेड तो आप करते हैं। जो देख सकते हो कि टेल आया तो आप हॉर्नेट लेके ही चलेंगे। बाकी ये नहीं है कि आप बुलेट फिर आप अगली राइड से कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दिन भी चढ़न लग्या है, तो ठंड भी हैगी है, तो लोग अपन सैर करते मिल जाएंगे। तो आप रस्ते भी रुकेंगे, थोड़ा दिन चढ़ जाएगा, उस तो आप कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों असं इतने रुके हैं थोड़ा व्यू इंजॉय करने लिए। कहते हैं ना कि मंजिल तो वधिया खूबसूरत होंगे सफ़र, तो असं सफ़र का भी इंजॉय कर रहे हैं। तो तुम देख सकते हो सनराइज भी हो रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा व्यू दिखाया जाए, तो असं व्यू इंजॉय कर रहे हैं। बाकी अगे करते हैं वीडियो कंटिन्यू करके, तुम सीधा हम सीधा मंदिर से लेके जावे। तो हमारे साथ पुजारी जी है जो निलास के इतिहास के बारे में बताएंगे। मैं पुजारी जी से विनती करता हूँ कि इतिहास के बारे में बताएं। हम वैसे यूटी से ज़िला हमीरपुर, कानपुर, झांसी, उरई और बांदा के बीच में मेरा ज़िला है। मैं इस स्थान की प्रसिद्धि को सुनते हुए मैं 1000 किलोमीटर दूर यहाँ
पुजारी के रूप में सेवा करता हूँ। यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है दीवारों पे, और बताते हैं जो पुराने लोग हैं कि यहाँ का इतिहास 550 वर्ष पुराना है। जो यहाँ जंगल था और एक गाय रोज़ दूसरे टाइम यानी 4 बजे के बाद लुकते छिपते हुए जाके शंकर जी पे अपना दूध चढ़ाती थी। तो ग्वालों ने कहा कि ये गाय का दूध क्यों घट जाता है रोज। तो ग्वाले उसके पीछे गए और देखा तो गाय तो एक तरफ हो गई, लेकिन उनने उस झाड़ को कुल्हाड़ी से साफ किया, तो साफ करते समय वो कुल्हाड़ी जाके शिवलिंग से टकरा गई, तो तेज बिजली कड़की और आकाशवाणी होने लगी कि मेरा यहाँ शिवलिंग है। तो उन ग्वालों ने उस शिवलिंग से माफ़ी मांगी और रात्रि में पटियाले महाराज को स्वप्न दिया शिवलिंग ने कि मेरा वहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाना और मेरा मंदिर बनवाना। तो और एक सुबह हाथी छोड़ना, यदि जहाँ हाथी खड़ा हो जाए वहीं मेरा शिवलिंग निकला हुआ है पृथ्वी से। तो हाथी छोड़ा गया, जहाँ वो हाथी खड़ा हो गया वहाँ सफाई करवाई गई, तो देखा कि एक शिवलिंग पृथ्वी से निकला हुआ था। तो उस शिवलिंग के यहाँ बढ़िया मंदिर बनवाया और पटियाले महाराज ने इस मंदिर के लिए 250 बीघे ज़मीन भी नाम करा दी है मंदिर के। तो कुछ दिन तो वो मंदिर चलता रहा, इसके बाद जीर्ण शीर्ण होने के बाद यहाँ बड़ी विशाल कमेटी बनी और इतने लोग जुड़े कि यहाँ का इतना विकास हो चुका है। मंदिर नए संगमरमर से बन चुके हैं, बढ़िया बाउंड्री और पार्किंग, और रोज़ 100-200 गाड़ी चार पहिया आती हैं, और हर सोमवार, हर त्रयोदशी और महाशिवरात्रि में तो 3 दिन भीड़ रहती है। रात दिन मंदिर के पट बंद नहीं होते, हजारों लोगों की लाइन लगती है। तो ये मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ बहुतेरे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सुबह 4:15 बजे मेन गेट का ताला खुल जाता है, ठीक 4:15 बजे जो है दर्शनार्थी आने लगते हैं, सुबह से पूजा होती है, और रोज़ लंगर लगता है, और हर सोमवार और त्रयोदशी को विशेष लंगर बनता है जिसमें खीर, पूरी, हलवा, हर तरह का भोजन बनता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं तो भंडारी तो लगा ही है, लेकिन कई सेवादार महिलाएं भी आती हैं जो सेवा करके हम लोगों को भोजन परोसती हैं, कराती हैं, और मंदिर की झाड़ू सफाई के लिए वैसे 10-20 लोग यहीं रहते हैं। और मंदिर में क्रेन मशीन, जेसीबी मशीन, 2-4 बड़े बड़े ट्रैक्टर, हर साधन उपलब्ध है, यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो भगवान का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये किसी धाम से कम नहीं। इसमें कहा गया है एक कहावत में कि या तो शिव कैलाश में या नलास में। तो शिव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और हकीकत में हम देखते हैं कि हमें किसी बात की कमी नहीं पड़ती। यहाँ कई बंदे कैरेट की कैरेट सेब, फल, केला और हर चीज़ का प्रबंध करते हैं चढ़ावे का। दिन भर प्रसाद बढ़ता है, यहाँ तक कि प्रसाद बढ़ते बढ़ते बच ही रहती कामना सबकी पूरी होती। हाँ, कामनाएं तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि हम रहते हैं तो हम जानते हैं, समझते हैं।